group photos. Single single spread and photos. सो भाई फाइनली पहुंच चुके हम फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ सुंदर। हम लोग ना हमें मारना चाहिए क्योंकि यहाँ पर होती है 3 से 4 टाइप की एक्टिविटी, लाइक आर्चरी है, केमल राइडिंग और देन उसके बाद एटीवी राइड भी होती है। भैया चार्जेस क्या है? भैया एटीवी राइड का क्या है वो एक बार चलकर देख लेते हैं यार। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू एपिसोड ऑफ लद्दाख ट्रिप। और यार आज वापस से निकल चुके हैं खरदुंगला की ट्रिप के लिए। कल भी निकले थे लेकिन क्या हुआ था आप लोगों ने देख ही लिया है। वापस से आज निकल चुके हैं, देखते हैं आज कहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन आज का टारगेट है खरदुंगला, तो पहुंचना ही है कैसे भी करके। कुछ 30-35 किलोमीटर है लेकिन एक्चुअली इधर कॉमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है ना, इसके कारण इधर व्हीकल नहीं मिल पाता है। सो आई विल ट्राई कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ। और वैसे भी वहाँ पर जो है ना -डिग्री है, सो पता नहीं क्या होने वाला है, बाकी मज़ा तो आने वाला है। सो बने रहना और खरदुंगला के लिए कैसे क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बीच में एक और जगह पड़ती है जहाँ पर परमिट चेक होता है। और कल तो हम लोगों ने बिना परमिट के आगे निकल गए थे लेकिन आज वापस से ट्राई करते हैं बिना परमिट के आगे निकलने का। सो देखते हैं, चलो बढ़ते आगे। आज थोड़ी लिफ्ट लेने में मशक्क़त हो रही है, रीज़न ऑफ आज थोड़ी गाड़ियाँ कम चल रही है एक्चुअली और कॉमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। तो भाई हमारा काफ़ी देर से लिफ्ट ले रहे हैं लेकिन हालत ख़राब हो गई उसकी, लिफ्ट लेते लेते। हेलो भाई, फाइनली परमिशन मिल गई, कल वाली बंदे मिल गए थे एक्चुअली उनके थ्रू, और लिफ्ट भी मिल चुकी है। अंकल जी ने लिफ्ट दी हुई है, ये जा रहे हैं नुब्रा वैली ना, नुब्रा वैली तक जा रहे हैं। थैंक यू। भाई एक्चुअली 2 लेन रोड का काम चल रहा है, इसके चक्कर में ये जाम लगा हुआ है और सारे बाइकर एंड 4x4 वाले सब शॉर्टकट मार रहे हैं। ये देखो पहुंच चुके हैं भाई दुनिया के सबसे मोल्ड सबसे हाईएस्ट पास पर, और जिसका नाम है खरदुंगला पास। और भीड़ देखो यार, फोटो खिंचाने के लिए कितनी लगी हुई है जगह ही नहीं मिल रही है, वो तो बोर्ड भी नहीं दिख रहा सही बोलो तो। एक और बोर्ड है यहाँ पे खरदुंगला पास का, माउंटेन पास। भाई वी वेलकम टू खरदुंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड फॉर द लोकल। खरदुंगला इज अ स्केयर्ड, भाई बहुत कुछ लिखा मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी हिम्मत नहीं है कि इतनी देर तक यहाँ रुक भी पाऊँगा। ऑलरेडी स्नोफॉल भी हो रही है और मज़ा बहुत आ रहा है भाई। तो भाई सारी वीडियोस देन फोटोस रील्स बनाने के बाद भाई भीड़ दिखती है ना खतरनाक। वहाँ देखो बोर्ड के पास, वहाँ चीटी मकोड़ों की तरह पैर रखने की जगह नहीं है बोर्ड के पास। भाई फाइनली क्या यार इतनी भीड़ एक फोटो खिंचाने के लिए फोटो खिंचाने कितनी ज्यादा भीड़। फाइनली भाई खरदुंगला पास से निकलने के बाद उस साइड में जो ले साइड में पड़ता है वो पड़ता है साउथ कुल्लू, और इस साइड में जो पड़ता है वो नॉर्थ कुल्लू। ये जो एरिया है ना ये पूरा नॉर्थ कुल्लू वाला है जहाँ पर आर्मी लगी हुई है ताकि डिसिप्लिन बनाए रखे और मे बी
हम लोग काफ़ी हाइट से आ रहे हैं, मे बी वो या वो, यहाँ से पता ही नहीं चल रहा एक्चुअली। और मेरा गला भी बैठ गया है यार। बाकी यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ पे, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली करके एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। सो फाइनली पहुंच चुके हैं डिस्किट करके एक जगह है एक्चुअली, और नज़ारा बड़ा अल्टीमेट आ रहा है भाई। जिधर देखो उधर पूरा माउंटेन ही माउंटेन, या तो सूखे या तो फिर बर्फीले। और देन यहां से और कुछ 5-6 किलोमीटर और जाना है जहां से हमारा डेस्टिनेशन है। देन भूख लगी थी तो भूख मिटाने के लिए हम लोग खाने के लिए रुके हुए हैं। तो ये सेचन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने दाल चावल ऑर्डर किया है, जो मात्र 100 रुपये प्लेट में यहाँ पर मिल रहा है, जो ठीक है वैसे। सो पहले खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए यार। फाइनली खरदुंगला टॉप के बाद नुब्रा वैली होते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं यार डिस्किट, और उसके भी आगे एक हुंदर करके जगह है, और हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमको ऐसी किसी जगह पे रेगिस्तान जैसी, मतलब राजस्थान जैसी कुछ फीलिंग मिलेगी। लेकिन जैसे कि वीडियो आपने देखा भाई, मज़ा आ गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में भी थोड़ी सी और मोटी रेत रहती होगी, लेकिन यहाँ की एकदम धूल वाली रेत है, है ना। और ऑलरेडी वही सारी फीलिंग, केमल और केमल राइड और वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं हुंदर, और ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको जो अभी रेत के टीले दिखाया वो भी देखने को मिले, मज़ा आने वाला है। सो चलो चलते हैं पास में, फिर दिखाते हैं भाई पूरा नज़ारा हुंदर का। सो फाइनली पहुंच चुके हैं भाई हुंदर, और हुंदर में हमने जगह रहने की भी व्यवस्था कर ली है। और जगह रहने की व्यवस्था कौन सी है एक्चुअली, एक क्या है, अच्छा ड्यून्स गेस्ट हाउस करके ये जगह है, और ऑलरेडी बढ़िया व्यू है यार। मतलब इनके पास ऑलरेडी इतने कैंप बढ़िया है, और ऑलरेडी फैसिलिटीज़ भी है। देन इनका पर्सनल क्या बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट है जिसमें ये बफे करवाते हैं। देन कैंपिंग भी अवेलेबल है और रूम्स भी अवेलेबल है। सो यार ऑलरेडी हमने इनको बताया, और ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑन जो करते हैं ना वो आर्मी पर्सन है, और आर्मी पर्सन वालों का तो दिल मालूम ही होता है यार कितना बड़ा होता है। सो उन्होंने डायरेक्टली हाँ कर दी और बिना कोई सवाल किए। और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल में हुंदर का जो मेन प्लेस है घूमने के लिए, जहाँ पर केमल राइडिंग वगैरह होती है। सो वो घूम के आते हैं और फिर करते हैं कैंपिंग। सो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ हुंदर, जहाँ पर केमल राइडिंग, जहाँ पर न जाने बहुत कुछ होता है। लेकिन यार अल्टीमेट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कहाँ पर आ गया वो पता नहीं यार। पूरी रेती रेती रेत उड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ की हुंदर जैसी नाम मैंने तो आज तक नहीं सुना था यार। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था हुंदर की ऐसी कोई जगह, और वो भी यहीं आकर सुना हुआ था। लेकिन यार जगह देखो, ओ भाई वो उधर तो देखो कितने टूरिस्ट है भाई, और गाड़ियाँ कितनी खड़ी है यार, खतरनाक। ओ भाई यस, मजा आ गया। इट्स अ वेरी डेंजरस पुल। तो रास्ते में इंदौर में हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, अच्छा जी, उनसे उनके पास एक दिन रहने का इज अ वेरी गुड इंदौर प्लेस। एंड कानपुर भी आई हूँ, इंदौर हम लोग मऊ में थे, मऊ अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर, अच्छा मऊ में थे। मैं मऊ से ही हूँ, शांति नगर,
आई डोंट नो, हम लोग कैंप में थे तो ओके ओके आर्मी ओके इंदौर आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद गए नहीं इंदौर की तरफ। यहाँ के प्लेस कैसा लगा? दिस इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज आई हैव सीन पिट्रा, आई हैव सीन अमान, आई हैव सीन दोस प्लेसेस ऑल्सो, बट हम लोग ना हमें मारना चाहिए जूते लेके, क्योंकि सॉरी क्योंकि the natural beauty that we have nobody in this world has, but hame apne ko shabashi dena aata nahi hai, we don't appreciate what we have, we are always looking at somebody aur hame ye bhi hai aur koi bolna hai ki aapka acha hai tabhi hum manenge, hum khud nahi to चलिए बाकी इंदौर आएंगे तो मुलाकात करेंगे अगर बाई दा। थैंक यू थैंक यू भाई। यहाँ पर तो बहुत सारी एक्टिविटी है, आर्चरी भी चल रहा है और एक नहीं वहाँ से वहाँ तक कम से कम तीन चार लगा के रखे हुए लोगों ने। ओहो यहाँ पर होती है 3 से 4 टाइप की एक्टिविटी, लाइक आर्चरी है, उसके बाद और भी होती है, खुद का गुल्ली डंडा खेल सकते हैं, उसके बाद केमल राइडिंग और देन उसके बाद एटीवी राइड भी होती है। एटीवी राइड का क्या है वो एक बार चलकर देख लेते हैं यार। तो भाई यहाँ का एटीवी का जो चार्जेस है ना, एटीवी राइड का, वो है 1000 रुपीज पर पर्सन, जिसमें आपके साथ गाइड पीछे बैठा रहेगा और 4 किलोमीटर की राइड रहेगी और 4 किलोमीटर की राइड यहाँ से कर सकते हैं वो भी सेल्फ ड्राइव करके। यार मज़ा तो है यार। और भैया भैया चार्जेस क्या है? भैया चार्जेस क्या है? 350। कितनी देर के लिए? 15 मिनट। सो फाइनली भाई आज के वीडियो में तो यार सही में मजा आ गया, क्योंकि भाई एक ही दिन में कम से कम 3 से 4 प्लेस एक साथ घूम लिए भाई। रियली में खूब एंजॉय किया। आई होप कि इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा। सो फाइनली इस व्लॉग को अगर आप लोगों को सही में अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, देन एक कमेंट, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं लद्दाख की ट्रिप के एक नए प्लेस पर वापस एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय।